बात कर रहे थे भाई को कभी भी, दिस इज द फर्स्ट टाइम भाई कॉमेडी ऑफ द ईयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल बहुत ही ज्यादा मजा आया था बफेलो वाइल्ड विंग्स में, एंड वो एक्चुअली जुलाई में ओपन हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड दैट। लास्ट टाइम पे गया था टीओट बोल के, टीओट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, TIOT। सो वो भी अच्छा था, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड आई वेरी मच लाइक इट। डू विजिट इफ यू आर विजिटिंग टू इंदिरा नगर इन बैंगलोर। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। अभी फिर से बाहर जाना है शायद आज, जो आई हैव टू रश टुवर्ड्स जयनगर फॉर सम अदर वर्क। आज शायद काम सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, होने के बाद शायद मैं आज आफ्टरनून फ्रेंड को मिलने जाऊंगा, थोड़ा काम है तो वो भी काम कंप्लीट करके मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी लिविंग बैंगलोर बाय टुमारो मॉर्निंग 5 o'clock, क्योंकि 5 o'clock मॉर्निंग निकल गए तो हम लोग ट्रैफिक कुछ मिलेगा नहीं, जल्दी से बाहर चले जाते हम लोग। सो प्लानिंग टू डू सो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, भाई को लेके जाना। एनीवे कोकोनट पानी पियेंगे, उधर पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। यस नाउ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 kilometers फ्रॉम विजयनगर, सो स्टिल 5 kilometers टू गो जयनगर। रोड अच्छा है बट मैं कुछ ड्राइविंग का दिखा नहीं सकता क्योंकि मोबाइल में ही मैं मैप्स लगा रहा। सो मैप्स लगा के इधर मोबाइल माउंटिंग, यहाँ पे मोबाइल माउंटिंग है, सो उधर प्लेस करके मैं चला रहा हूँ गाड़ी। सो आई विल सी यू इन जयनगर, बाय। सो जस्ट रीच्ड जयनगर एंड ये है जयनगर का बस स्टैंड एंड ऊपर है RTO ऑफिस। ओके, सो अभी ऊपर जाके पार्किंग करना, पार्किंग करने के बाद काम खत्म करके आई विल गेट बैक टू यू। हाफ एन आवर, 1 hour तक हो जाएगा काम आई थिंक, सो लेट्स सी। Alright, came to 3rd floor for parking. बहुत ही रश है बॉस, काम होना शायद लेट हो जाएगा। A few moments later. Alright, काम सब कुछ हो गया है। Right now it's 2 o'clock in the afternoon and शायद मैं evening CCD जाने वाला हूँ friend को मिलने के लिए। ट्रैफिक में चलाना बैंड बज जाते हैं बेंगलुरु में, बट जो भी है अभी रीच हो गया ऑलरेडी होम, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके 5 o'clock CCD। यस, क्या काम है, कुछ बोलता है नहीं, मैं क्या करे, बोलने जैसा नहीं रहता कभी कभी। बाय, सी यू, फिर मिलेंगे पवन सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, इट्स द लास्ट डे इन बेंगलोर। अभी हम लोग निकल रहे हैं, ऑल सेट टू गो। कल रात को ही हम लोग कार पे लगेज लोड कर दिए थे एंड लोडिंग भी हो गया है, अभी जस्ट कार पे बैठ के जाना है। 6:15 इन द मॉर्निंग, 6:30 तक निकल जाएंगे हम लोग एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी रीचिंग कोपर बाय 11 o'clock। वी जस्ट नाउ लेफ्ट बैंगलोर अराउंड 6:35 एंड लेट्स सी हम लोग कोपर कितने बजे पहुंचते हैं। शायद ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए था इतना मॉर्निंग, बट देखते बस, होप फॉर द बेस्ट। एशियाज बिगेस्ट वाइन शॉप,
लिंकर शॉप आई मीन नॉर्मल पेट्रोल ओके थर्ड टाइम फिलअप करा रहा हूँ फर्स्ट 4000 उसके बाद 2500 उसके बाद 1500 कुल मिला के 8000 का पेट्रोल एयर प्रेशर चेकिंग एक्चुअली आप लोग देख लिए होंगे आते वक्त मैं सिर्फ 30 दलाया था चारों टायर में बट अभी 40 हो गए थे सो एयर प्रेशर चेकिंग इज मस्ट मैन वेल ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पूरा वेयर एंड टेयर हो जाता है कवर्ड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर अब ये शायद फोर्थ या फिफ्थ टोल है इसके बाद ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे देन कंटिन्यू होटल साई पैलेस All right, almost 160 kilometers travel किए drive किए from Bangalore. So first stop at Hotel Sai Palace. मसाला डोसा मेरे लिए भाई के लिए इडली ऑर्डर करते होंगे अच्छे एम्बियंस अच्छा है होटल साई पैलेस का खाना कैसा है देख रहा मस्ट नीडेड ब्रेक Still 210 kilometers to go. छोटे भाई के लिए अभी जस्ट बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे कि कार ड्राइव मैं ही करूँगा फ्रॉम बेंगलोर टू होम तो वही बात कर रहे थे भाई भी बोल रहे थे कि सिर्फ 100 किलोमीटर चलाने दे बट मैं बार एक मुझे एटेस्ट रेस 370 किलोमीटर मारना था तो मंजूर कर दिए किस्मत अच्छा है या फिर मेरे सिलेक्शंस अच्छे हैं पता नहीं बट इधर भी ब्रेकफास्ट एक नंबर था और एज यूजुअल मैं मसाला डोसा ही लिया था